नमो वेंकटेशाया। अभी आप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी जी का यहाँ आप देख रहे हैं। वो सरकार की ओर से यानी वास्तव में एक परिपाटी है, रूढ़ी है तिरुपति तिरुमल देवस्थानम में कि हर वर्ष भी सरकार चलाते हैं वो उस सरकार का मुख्यमंत्री यहाँ आकर वस्त्र समर्पण करते हैं। आलय मर्यादा के तौर पर देखिए उनके सिर पर पट्टी बांधी जा रही है और ये आलय मर्यादा है शुद्ध बनाने के लिए आशीर्वचन पूर्वक यह बांधा जाता है और उसी मुलायम रेशमी वस्त्र के ऊपर एक थाली में सरकार की ओर से रेशमी वस्त्र समर्पित किए जाते हैं। यह यहाँ की रूढ़ी है, परंपरा है। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे हुए हैं और ये साधारणतया ये जो रेशमी वस्त्र समर्पण होता है वह गरुड़ सेवा के दिन स्वामी जी को पहनाया जाता है। ये सरकार की ओर से आदर सम्मान है, भेंट होती है श्री वेंकटेश्वर स्वामी को। अभी अर्चक स्वामी और अधिकारीगण यहाँ सम्मानपूर्वक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी जी का सम्मान कर रहे हैं। सरकार का यह सम्मान है और वो अब बड़े दायित्व के साथ अधिकार पूर्वक वस्त्र समर्पण करेंगे श्री वेंकटेश्वर स्वामी को। देखिए कितना आदर सम्मान दिया जा रहा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। रेशमी वस्त्र समर्पण के लिए ये हैदराबाद से आए हैं और अभी ये विधिवत देखिए चांदी की थाली में मुलायम रेशमी वस्त्र जो है अब ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वेंकटेश्वर स्वामी को भेंट देंगे। तो ये रूढ़ी परंपरा है यहाँ की। तिरुमल तिरुपति देवस्थानम को सरकार की ओर से यह वस्त्र समर्पण होता है, विशेष रूप से ब्रह्मोत्सव के समय ये वस्त्र समर्पण होता है सरकार की ओर से। अधिकारीगण प्रांतीय और दूसरे विभागों के अधिकारीगण अर्चक स्वामी आदि सभी यहाँ पधारे हुए हैं और विधिवत मंगलवाद्य के साथ मंत्रोच्चारण के साथ निष्ठा और दायित्व के साथ यह वस्त्र समर्पण किया जाता है। देखिए सबके सब यहाँ पधारे हुए हैं और अधिकार पूर्वक सरकार की ओर से विधिवत निष्ठा और दायित्व के साथ वस्त्र समर्पण हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ वस्त्रों को ले आ रहे हैं। रेशमी वस्त्र समर्पण अब होगा, विशेष रूप से ब्रह्मोत्सव के समय ये परिपाटी है, ये रूढ़ी है। छत्र चामर आदि ज़्यादा मान दी जाती है सरकार को और सरकार के प्रतिनिधि ये जगनमोहन रेड्डी जी मतलब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो वस्त्र समर्पण करने को तत्पर हैं। तिरुमल तिरुपति देवस्थानम की ओर से उनका सम्मान होता है और वो उसी दायित्व के साथ अपनी परंपरा को कायम रखते हुए सरकार की ओर से प्रतिनिधि बनकर आते हैं और वस्त्र समर्पण करते हैं। देखिए बड़ा रोचक दृश्य है यहाँ पर। सरकार की ओर से आलय मर्यादा के साथ रेशमी समर्पण, रेशमी वस्त्र समर्पण सरकार की ओर से वेंकटेश्वर स्वामी को किया जा रहा है। तो आलय के अंदर प्रविष्ट हुए हैं और रेशमी वस्त्र समर्पण अब मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा होगा वेंकटेश्वर स्वामी को। देखिए आलय मर्यादा पूर्वक उन्हें सम्मान पूर्वक ले आया जा रहा है। छत्र आदि विशेष रूप से ये आलय मर्यादा होती है। तो अभी मुख्यमंत्री जी
आ रहे हैं, अधिकारीगण उनके साथ हैं और वो वस्त्र बड़ी निष्ठा, भक्ति और प्रपत्ति के साथ ले आ रहे हैं। तो ये दृश्य बड़ा रोचक दृश्य है। हर वर्ष यह सरकार की ओर से भेंट दी जाती है और अब की बार भी ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार की ओर से यह रेशमी वस्त्र समर्पण किया जा रहा है। वास्तव में ये रेशमी वस्त्र विशेष रूप से गरुड़ सेवा के दिन स्वामी पहनाया है। वेंकटेश्वर स्वामी सरकार की ओर से जो भेंट आती है उसे पहनकर सु अलंकृत होकर, विशेष आभरणों से सुसज्जित होकर भक्तजनों को दर्शन प्रदान करते रहते हैं। तो ये सरकार की ओर से अब आये हुआ भेंट है। महाद्वार से अंदर जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी जी। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, भक्ति निष्ठा प्रपत्ति के साथ वो ले आए हैं, सरकार के प्रतिनिधि बनकर वस्त्र ले आए हैं। देखिए मंदिर में अभी जा रहे हैं और महाद्वार से वो गुजर कर अंदर गए हैं। ये हर वर्ष की रूढ़ी है, परंपरा है और यहाँ ब्रह्मोत्सव का उसकी शोभा देखिएगा। गोपुर आदि दिखाई दे रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी वहाँ ध्वज स्तंभ पार करके अंदर आए हैं और रेशमी वस्त्र समर्पित करेंगे। जो अधिकारी इनके मतलब वस्त्र समर्पण के समय जिनको देना होता है उनको समर्पित करेंगे। ये सरकार के प्रतिनिधि हैं और ये जो तिरुमल तिरुपति देवस्थानम के अधिकारी गण जो इसके लिए दायित्वपूर्ण होते हैं उनको समर्पित करके अपनी निष्ठा और भक्ति दिखाते हैं। देखिए ध्वज स्तंभ तक आ पहुँचे हैं हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी जी। भक्त और भगवान के बीच समर्पण, भगवान के द्वारा दिए हुए जितने सारे वस्त्र है, आभरण है, ये फिर भगवान को समर्पित करना, ये भगवान प्रदत्त है, भगवान के द्वारा सृजित है, भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। भक्त भी भगवान है, भगवान भी भक्त है। भगवान की जो है ये करुणा है, कृपा है। भक्त पत्रम पुष्पम तोयम, जो भी समर्पित करता है कि जो है उसे स्वीकार करता है। प्रत्येक काल में, राजा महाराजाओं के काल से लेकर आज तक जो है सभी ने स्वामी की सेवा की है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी ऐसे स्वामी है कि सब पर अपनी कृपा जो है बरसाते हैं कि पुराने प्राचीन समय के राजाओं से लेकर अनेक राजाधिकारों ने, अनेक सरकारों ने कि स्वामी की सेवा की है। आज ये अवसर आंध्र प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है। आज आंध्र प्रदेश सरकार अपनी ओर से जो है स्वामी की श्रद्धा में, स्वामी के साथ प्रेम में वस्त्र समर्पण किया जा रहा है। ये समर्पण करने का सौभाग्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी को आज प्राप्त हुआ है। उनका जन्म धन्य हो गया है। स्वामी की सेवा में पुष्पम ही सही समर्पित करने से अनेकों जन्मों के पापों के निवारण के साथ अनेकों पुण्य जो है प्राप्त होंगे। देखिए आलंद निलयम में स्वयंभू के रूप में जो है स्थापित कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज वस्त्र समर्पण किया, रेशमी वस्त्र समर्पण किया। इन रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित होकर स्वामी शीघ्र ही जो है अपने भक्तजनों को
पुण्य दर्शन देंगे कि स्वामी के इस दर्शन के लिए भक्तगण तिरुमाड़ वीधियों में भीड़ के रूप में इकट्ठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में उसका जो है अवलोकन आप लोग जो करेंगे कि ये भक्त और भगवान के जो संबंध है, भक्त प्रेम से, श्रद्धा से और जो भी समर्पित करता है भगवान स्वीकार करता है। यही वो रस हो, फूल हो, वस्त्र हो, धन हो, आभरण हो, उनकी दृष्टि में सब समान है, क्योंकि सभी का सृजन भगवान ने ही किया है। भगवान के द्वारा प्रदत्त जो है जो भी वस्तु है फिर से भगवान को समर्पित करना, ये मनुष्य की जो है श्रद्धा है, मनुष्य की भक्ति है, उसी में भक्ति भक्ति में ज़्यादातर ये मानते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग को ही हम भक्ति मानते हैं। भक्ति से हम जो भी स्वीकार करते हैं, शबरी ने उसी भक्ति से राम को जो है बेर के फल खिलाए, वैसे ही जो है सुधामा ने अपने मित्र को जो है सूखे चावल खिलाए। ये भक्ति के कारण ही स्वामी प्रसन्न होते हैं, ना कि रेशमी वस्त्र, ना कि आभरण। ये नहीं है कि मनुष्य में जितनी सारी भक्ति होती है उस भक्ति के कारण जो है स्वामी उन पर कृपा करते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी ने आज जो है वेंकटेश्वर स्वामी को जो है पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रेशमी वस्त्र समर्पित किया है। इससे जो है आंध्र राज्य के सारे लोगों को जो है पुण्य प्राप्त होगा। सरकार का वो प्रतिनिधि है, बल्कि प्रजा का प्रतिनिधि है। प्रजा के प्रतिनिधि के द्वारा समर्पित ये पुण्य कार्य सभी प्रजाओं को जो है लाभान्वित होगा। सभी प्रजा इससे जो है लाभ उठाएंगे। ऐसा अवसर जो है कई जो है मुख्यमंत्रियों को आज तक प्राप्त हुआ। आज ये जो है आज के मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी को भी हुआ। ऐसे कार्य करने के लिए वास्तव में पूर्व जन्म का जो भी फल है आज उनको प्राप्त हुआ है। वेंकटेश्वर स्वामी अकलांड ब्रह्मांड नायक है। इस धरती पर और कोई देव ऐसा नहीं है कि थोड़े से जो है प्रसन्न होने वाले। हम जो है उस स्वामी को आपद मुकुलवाड़ा बोलते हैं, वड्डिकासुलवाड़ा बोलते हैं, कि ये जो है बहुत ही कम में जो है बहुत ही कम से जो है प्रसन्न होने वाले। ऐसे स्वामी को वस्त्र समर्पण करने का शुभ अवसर जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी को आज प्राप्त हुआ। उनका जीवन धन्य हो गया। भक्त जन, आप भी अपने स्वामी श्री वेंकटेश्वर स्वामी को पुण्य प्राप्त करने के लिए समर्पण की दिशा में आप सोचिए। भगवान बहुत तोड़े में जो है प्रसन्न होते हैं। ये भक्तगण, आप जो है स्वामी के दर्शन कीजिए, स्वामी के स्मरण कीजिए, स्वामी को जो भी आपके शक्ति के अनुसार समर्पित कीजिए। स्वामी जो है तोड़े में, जैसे मैंने कहा, सूखे चावल से भी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही आप जो भी समर्पित करते हैं लिए प्रसन्न होने वाले हैं। अब जो है आप देखते हैं, जहाँ श्रद्धा और प्रेम होता है वहाँ भक्ति का उदय होता है। भक्ति अगर मन में हो कि साक्षात भगवान जो है आपके निकट हैं, अगर मन में भक्ति और श्रद्धा नहीं है भगवान आपसे दूर है। देखिए कि सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। आनंद निलय मंदिर के विमान गोपुर को आप देख रहे हैं। ये विमान साक्षात वैकुंठ से श्री गरुड़ के द्वारा लाया गया ये विमान है, यहाँ पर आनंद निलयम में स्थापित है। ऐसा विमान और अन्यत्र भी आप देख नहीं सकते हैं। सुवर्णमय, सुवर्ण से जो है पोता गया ये सुवर्णमय विमान साक्षात वैकुंठ का ही प्रतीक है। सुंदर कलश के साथ बना हुआ ये विमान बहुत ही जो है पुण्यदायक है। एक बार दर्शन करने मात्र से जीवन धन्य हो जाता है।
नमो वेंकटेशाय। भक्त जन, अभी आपने देखा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी के जो है वस्त्र समर्पण किया है। वस्त्र समर्पण आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कि मुख्यमंत्री ने ये यहाँ दिया है। वास्तव में श्री वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा जो है सब पर, सारी प्रजा पर, कि आंध्र प्रदेश की पूरी जो है हो, ऐसी ऐसे आशीर्वाद के साथ जो है आप देख रहे हैं कि तिरुमल पहाड़ में जो वेंकटाद्री शेषाचल कहा जाता है, उस पहाड़ पर स्थित आनंद निलयम मंदिर का श्रृंगार अलंकरण आप देखिए। विविध फूलों से सजाई गई मालाएं, विद्युत कांति से चमकती हुए दीप है, ऐसा दृश्य जो है नेत्र पर्व करने वाला दृश्य है। कि देखिए कि ये वास्तव में आनंद निलय का जो है जहाँ पर ध्वजस्तंभ है, जहाँ बलिपीठ है, उस बलिपीठ को जो है दिखाया जा रहा है। यहाँ पर स्वामी ध्वजस्तंभ के साथ मूल विराट के सामने बलि के रूप में अन्न जो है प्रसाद समर्पित किया जाता है। वहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ये ध्वजस्तंभ के निकट रहने वाला बलिपीठ है, उसके बगल में ही ध्वजस्तंभ है। ध्वजस्तंभ पर जो है थोड़ी देर पहले एक ध्वजारोहण किया गया, कि गरुड़ पट के साथ ध्वजारोहण किया गया, कि गरुड़ के द्वारा सारे देवताओं को, दिक्पालों को, मुनियों को, मनुष्यों को, राजाओं को, सभी को जो है आह्वान पहुंचाया गया। स्वामी पालकी में अंदर जो है वस्त्र ले जा रहे हैं, प्रसाद ले जा रहे हैं। ये आनंद निलय मंदिर का, तिरुमल पहाड़ के श्री बालाजी के मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख द्वार है, कि इस सदर दरवाजा भी हिंदी में बोलते हैं। उस सदर दरवाजा के साथ दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य के जो अधिकारीगण, मंत्रीगण मुख्यमंत्री के साथ और तिरुमल तिरुपति देवस्थान के अध्यक्ष के साथ, न्यास मंडली के अध्यक्ष के साथ, कार्यनिर्वाहन अधिकारी के साथ, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित है। मुख्यमंत्री के साथ जो है वे भी इस वस्त्र समर्पण में भाग ले रहे हैं। देखिए कि मंदिर के मुख्य अर्चक स्वामी भी जो यहाँ पर उपस्थित है, और सबकी ओर से सारी प्रजाओं के हित के लिए, जनता का हित राजा करता है। आज का राजा आज के जनप्रतिनिधि हैं, आज के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि हैं, उन सबकी ओर से भगवान को समर्पित ये सेवा, ये वस्त्र समर्पण जो है सेवा, सारी प्रजाओं के हित के लिए है, सारी प्रजाओं के लाभ के लिए है, कि अच्छी वर्षाएं हो, अच्छी फसल हो, और सभी प्रजा सुख और संतोष के साथ जिए, ऐसी कामना के साथ जो है ये वस्त्र समर्पण किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री वहाँ के अधिकारीगण से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो परंपरा के अनुसार जो है वस्त्र धारण करके, सांप्रदायिक वस्त्रों में कि वस्त्र धारण करके स्वामी को अपने सर पर जो है रेशमी वस्त्र जो है एक थाली में रखकर उठाकर सर पर उसे लाकर जो है स्वामी को समर्पित किया है। उनके द्वारा, उनके साथ काम करने वाले सारे मंत्रीगण जो है आज यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे देवता सारे यहाँ पर वेंकटाद्रि पर उपस्थित हैं, वैसे ही आंध्र प्रदेश के सारे मंत्रीगण जो है यहाँ पर आज उपस्थित हैं मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री जो वास्तव में जो है कंकण जो है धारण करके कि वस्त्र समर्पण के लिए आवश्यक वस्त्र धारण किया था, उसको जो फिर से जो है उसको जो है विसर्जन करके फिर से उनको जो आशीर्वाद दिया जा रहा है, कि अर्चक स्वामी मंदिर के, तिरुमल मंदिर के अर्चक, मुख्य अर्चक स्वामी ये कार्य संपन्न कर रहे हैं। उनके साथ जो है देवस्थान के अधिकारी गण उपस्थित हैं, उसके साथ मंत्रिमंडली के अन्य गणमान्य मंत्री लोग भी
वहाँ पर उपस्थित है, न्यास मंडली के अध्यक्ष भी वहाँ पर उपस्थित है, समस्त अधिकारीगण जो है पूरी श्रद्धा के साथ पूरे जो है अपने दायित्व को निभाते हुए मुख्यमंत्री के साथ वहाँ पर, ये जो है हमें मान लेना चाहिए, ये जनता का हित है, प्रजा का हित है, सारे लोगों का हित है, लोक कल्याणार्थ जो है इस रूप में कोई राजा कोई मंत्री ऐसा करता है, स्वामी की सेवा करता है, वो पूरा लोक कल्याण के लिए है। अब किसी भी अन्य रूप में इसको देखना जो है उचित नहीं है, कि ऐसा लगता है कि स्वामी की सेवा करना प्रत्येक मनुष्य का ही धर्म है। क्षरन्ति सिन्धवः तासां ता सर्वासागं रुचा अभिषिञ्चामि वर्चसा समुद्रैवासि गम्भदा सोम इवास्यदाभ्यः अग्निरिव विश्वतः प्रत्यं सूर्य इव ज्योतिः विभो अपायो द्रवनेरसः स्मुष्याजाय तेजसे ब्रह्मवर्चसा गृहामे अपाय ऊर्मौरस तमहस्मुष्याजाय ओजसे वीर्याय गृहामे अपायो मध्यतोरस तमहस्मुष्याजाय पुष्ट्यै प्रजननाय गृह्णामि अपायो यज्ञयोरसः तमहमस्माभुष्याजडाय आयुषे दीर्घायुत्वाय गृह्णामि निवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीप्रसन्न वेङ्कटेश्वर प्रसाद सिद्धिरस्तु। ने देखा कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आलय के अर्चक स्वामियों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया, अष्टलक्ष्मियों का उल्लेख करते हुए आठ प्रकार के जो है प्रसाद उन्होंने उनको पहुंचाया, कि वेदोच्चारण के साथ उनको आशीर्वाद किया कि स्वामी का जो प्रसाद उनको दिया है ये अवसर है कि जीवन में कभी प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को, कि वेदाचारण के साथ जो है उनका आशीर्वाद किया, आठ प्रकार के धैर्य धन ऐश्वर्य के साथ मुख्यमंत्री का आशीर्वचन प्राप्त करना मेरे दृष्टि में वास्तव में एक शुभ अवसर है, कि मंदिर की ओर से ये जो सुवर्ण अवसर जो है मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ, मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले उस मंत्रिमंडल के लोग भी मंत्रिमंडल के सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित है, कि कार्यनिर्वाहन अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है, उसकी ओर से जो मुख्यमंत्री को आशीर्वाचन दिया गया वेद मंत्रोच्चारण के साथ, वेद मंत्रोच्चारण के साथ उनको ये जो है कहा गया कि आठ प्रकार की जो है सिद्धियाँ, आठ प्रकार के अवसर ऐश्वर्य जो है मुख्यमंत्री को प्राप्त हुए, मुख्यमंत्री स्वामी के प्रसाद को स्वीकार किया, ये उनका जीवन धन्य हो गया है। उनके द्वारा देखिए कि सारे भक्त उनके चेहरों में अर्शात्रेक है, अर्ष ही अर्ष है, आनंद ही है। आनंद निलय का यही एक वैशिष्ट है कि इस मंदिर में जो भी प्रवेश करता है वो आनंद का अनुभव करता है, नाम ही उसका आनंद निलय है। आनंद निलय में आने वाले प्रत्येक भक्त को जो है ऐसा आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद जो है शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो आनंद जो है अनिर्वचनीय है, यानी वचनों के द्वारा शब्दों द्वारा आनंद जो है संपन्न नहीं होता है। देखिए तिरुमला तिरुपति देवस्थान के और वाहन अधिकारी दोनों की ओर से जो है मुख्यमंत्री को भेंट समर्पण किया जा रहा है, भेंट के रूप में स्वामी के चित्र ही जो है उनको दिए जा रहे हैं। देखिए ये इस आने वाले वर्ष के 2024 के कैलेंडर हैं, कैलेंडर का विमोचन मुख्यमंत्री के कर कमलों से, कि
कार्यनिर्वाहण अधिकारी श्री धर्मारेड्डी और न्यास मंडली के अध्यक्ष भूमन करुणाकर रेड्डी की ओर से ये संपन्न हुआ है कि 2024 के कैलेंडर जो है मुख्यमंत्री ने विमोचन किया है। उनके मंडली के सदस्य हैं यहाँ पर उपस्थित है, उसके साथ और एक जो है प्रारंभोत्सव यहाँ पर हो रहा है कि वो आप अभी देखेंगे। कैलेंडर के साथ संभवतः ये डायरी का भी जो है विमोचन किया जाता है। ये तिरुमल तिरुपति देवस्थानम के डायरी का जो है अब विमोचन हो रहा है कि मुख्यमंत्री के कर कमलों से ये संभव हो रहा है। कार्यनिर्वाहण अधिकारी श्री धर्मारेड्डी के द्वारा, न्यास मंडली के अध्यक्ष भूमन करुणाकर रेड्डी के द्वारा मुख्यमंत्री को जो है पहली प्रति, डायरी की पहली प्रति सौंपी गई है। बाकी मंत्रिमंडली के सदस्यों को जो है डायरी की प्रतियां संपन्न की गई है कि कितने आनंद से सबके चेहरे पर आनंद ही आनंद है, प्रसन्न ही प्रसन्न है कि कार्यनिर्वाहक अधिकारी एक और विमोचन का जो है बंडल जो है मुख्यमंत्री के हाथों से करवा रहे हैं। ये जो है कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो तिरुमल तिरुपति देवस्थानम की ओर से प्रकाशित हैं, उन पुस्तकों का विमोचन भी हो रहा है। ये भी डायरी का ही रूप है, प्रत्येक महीने का एक एक महीने का एक एक जो है पृष्ठ के रूप में एक स्पाइरल बाइंडिंग में रखा गया। ये डायरी भी जो है मुख्यमंत्री के कर कमलों से अध्यक्ष ने जो है करवाया है। कार्यनिर्वाहक अधिकारी और अन्य मंत्रीगण भी यहाँ पर उपस्थित है। एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि साल में एक बार संपन्न होता है। अब देखिए एक और जो है समर्पण किया जा रहा है, एक और जो है विमोचन किया जा रहा है कि इसमें शायद श्री वेंकटेश्वर भगवान के चित्र होंगे। ये जो है श्री वेंकटेश्वर भगवान के जो सबसे प्राचीनतम चित्र है, माता अलवेल मंगा और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के जो ये जो कैलेंडर है, कई वर्षों से मेरे ख्याल से मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ यही चित्र जो है, बहुत प्राचीन चित्र है भगवान के। ये चित्र बहुत ही प्रचलित है। ये चित्र मुख्यमंत्री के हाथों से विमोचित किए गए हैं। आज जो है 2024 के ये कैलेंडर जो है अभी के पास जो है कि इसके साथ एक और जो है प्रारंभोत्सव जो किया जा रहा है। इतने सारे कार्यक्रम जो है लगे हैं, अधिकारीगण जो है इसमें जो है व्यस्त हैं इस करने में। अब देखिए ऐसे ही जो है एक और पुस्तक का विमोचन जो है वो एक डायरी के रूप में मुख्यमंत्री ने जो है विमोचित किया है। सारे अध्यक्ष के साथ, कार्यनिर्वाहण अधिकारी के साथ ये कार्य जो है संपन्न हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए वैकुंठ, आनंद निलय का वैकुंठ विमान है उस पर छपा हुआ है, उसमें श्री स्वामी श्री वेंकटेश्वर जी का चित्र जो छपा है जो मलयप्पा स्वामी के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। तो इतने सारे अपनी व्यस्तता के बावजूद भी सारे अधिकारीगण जो यहाँ पर उपस्थित है, सबके चेहरे में एक अच्छे शुभ अवसर है, एक अच्छे आनंद का अवसर है। इस आनंद के अवसर में जो भी यहाँ पर उपस्थित है उन सबको जो है आनंद प्राप्त हो। देखिए कितना सुंदर चित्र जो है श्री वेंकटेश्वर भगवान का है, अनुपम है, अविरल है, अद्वितीय है। ऐसा चित्र जो है शायद ही हमने कभी देखा है। ऐसा चित्र जो है फ्रेम के साथ मुख्यमंत्री को भेंट के रूप में तिरुमल तिरुपति देवस्थान ने प्रदत्त किया है। ये पाकर जो है मुख्यमंत्री का जीवन धन्य हो गया है। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजन जो है इसको, इस दृश्य को देखकर उनको भी बहुत आनंद जो है प्राप्त हुआ है कि देखिए कि मुख्यमंत्री अपने सहचर मंत्रियों के साथ, अपने वहाँ के अधिकारीगण के साथ जो है यहाँ पर प्रसन्न होकर सबको जो है अपने आशीर्वाद, अपने आशीर्वचन, अपनी शुभकामनाएँ वो दे रहे हैं, सबको बधाई जो है वो दे रहे हैं। यहाँ पर उनके मंत्रिमंडली के अन्य सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित है, उनके साथ वहाँ के भक्तगण भी, अधिकारीगणों के परिवार के सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित है। एक पूरा एक परिवार जैसा काम करने वाले ये सारे लोग जो है पूरी प्रसन्नता के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं कि देखिए इतने वरिष्ठ मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित है। वहाँ पर जो देखिए कि सभी अपने अपने जो है आनंद के साथ यहाँ पर श्री स्वामी की सेवा में, श्री वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा में सो सबके रक्षक हैं, सबके लोक रक्षक हैं।
उस लोकरक्षक के शरण में, उस लोकरक्षक की छाया में सभी प्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके साथ जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ जो है सभी चित्र में हमें जो है दिखाई पड़ रहे हैं कि ये जो है वास्तव में ये जो है मंदिर के आनंद निलय मंदिर के अंदर जो मंडप में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यहाँ पर सभी लोग प्रसन्न हैं इस कार्यक्रम के साथ, इस वस्त्र समर्पण के इस कार्यक्रम में कि तिरुमल तिरुपति देवस्थानम ने आज तक जो इतने सारे कार्य किए वो उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। इतना अच्छा कार्यक्रम जो यहाँ पर अधिकारीगण ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि ये साक्षात वास्तव में जनहित में है, जनता को हित पहुँचाने वाला है। देखिए स्वामी के साथ जो है ये मुखद्वार के पास जो है लोग अधिकारीगण और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य जो है पहुँच गए हैं। वो अब यहाँ से जो है वाहन सेवा के लिए तैयारी करने के लिए निकलते हुए हम देख रहे हैं कि देखिए ये जो वास्तव में ऐसा जो कार्यक्रम है कि वस्त्र समर्पण कार्यक्रम का ये समापन है। वस्त्र समर्पण में पैदशेष वाहन का दृश्य जो है आप देख रहे हैं, में पैदशेष वाहन या महाशेष वाहन रूप में जो है आदिशेष के दर्शन आप कर रहे हैं। वहाँ पर उपस्थित लोग उस वाहन की सेवा करने में, उस वाहन के सेवा दर्शन करने के लिए जो है वहाँ उपस्थित है कि मुख्यमंत्री प्रसन्न होकर वहाँ के लोगों से सभी से जो है मेल मिलाप करते हुए बातचीत कर रहे हैं, आशीर्वाद आइयाँ अपनी शुभकामनाएं उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। सचमुच ही हे भक्त जन, ये ऐसा दृश्य है कि बहुत कम जो अवसर ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि अधिकारियों की सेवा के साथ साथ उनके लिए जो आशीर्वाद बनने वाले उनके अधिकारीगण यहाँ उपस्थित करना, स्वामी की सेवा में पुनः एक बार जो है समर्पित होना। स्वामी की सेवा में जो भी समर्पित होता है वो अपने जीवन को धन्य बनाता है। स्वामी की सेवा ही सब कुछ है। स्वामी की सेवा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। स्वामी की कृपा हो, स्वामी की आज्ञा हो, तभी ये संभव हो सकता है। स्वामी की आज्ञा हुई कि ये पूरा कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। इस पूरे कार्यक्रम में जो है सभी को, यहाँ उपस्थित सभी को जो है सुख प्राप्त हुआ है, आनंद प्राप्त हुआ है। देखिए कितने सारे अच्छे दृश्य हैं। रात के समय, रात के 8:30 बजने वाले इस समय में भी बिना थके, बिना किसी श्रम किए बिना ऐसा लग रहे हैं अभी अभी आए हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। ऐसा आनंद अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसा आनंद जो है यहाँ पर इस आनंद निलय मंदिर में जो प्राप्त हो रहा है, लगता है इसी कार्यक्रम के लिए यह पूरा दिन जो है अधिकारीगण ने तैयार किया था, वो कार्यक्रम जो है अत्यंत सफल हुआ है ऐसा लग रहा है। ऐसी विद्युत बत्तियां जो है आप अन्यत्र नहीं देखते हैं। यहाँ पर अधिकारीगण कई दिनों की मेहनत से जो है इसको बनाया है, वो उसे देखने का आनंद हमें आज पल भर के लिए प्राप्त हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। जनप्रतिनिधियों की सेवा और अधिकारियों की सेवा, दोनों सेवाओं को स्वामी स्वीकार करते हैं। स्वामी जब सेवाओं को स्वीकार करते हैं, अपनी कृपा उन पर जो है बरसाते हैं। इन सभी पर स्वामी की कृपा हो, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों पर स्वामी की कृपा हो, ऐसा वेदोच्चारण के साथ जो है वेद पंडितों ने आशीर्वाद मुख्यमंत्री को दिया और सभी अधिकारीगण को दिया। सभी अधिकारी इससे संपन्न है, इससे प्रसन्न है, इसे आनंददायक हैं, इसको जो है अपने जीवन का सुख मानते हैं। ऐसा जो है ये दृश्य आप देख रहे हैं। ये आनंद निलयम का मंदिर है, उसका मुखद्वार है। मुखद्वार पर जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ जो आए मंत्रिमंडली के जो सदस्य हैं, वो सदस्य जो है अभी मंदिर में ही है, उनके साथ जो है वो आनंद ले रहे हैं। ये बार बार मिलने का अवसर नहीं है, बल्कि साल में एक बार मिलने का अवसर है। ये ऐसा अवसर आज प्राप्त हुआ, आज भाद्रपद मास के सोमवार के दिन ये ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ। सभी अधिकारीगण
मुख्यमंत्री के साथ जो है अब प्रस्थान कर रहे हैं मंदिर से, मुखद्वार से ये प्रस्थान जो है शुरू हो जाएगा। वो जो है वो आएंगे कि उसके बाहर वाहन सेवा जो है शुरू होगी थोड़ी ही देर में, कि जो आज स्वामी श्री वेंकटेश्वर स्वामी की महासेशन वाहन पर मुख्यमंत्री के द्वारा समर्पित रेशमी वस्त्र जो है धारण करके जो है महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर स्वामी शोभा यात्रा करने निकले हैं। मुख्यमंत्री के साथ वहां उपस्थित सभी अधिकारीगण और मनुष्य सभी प्रजा वहां मिलकर जो है वो जो है उनके उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए जो तत्पर हैं, उनके उनके साथ जो बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जो है बाहर जो है आ रहे हैं मुख्यद्वार के द्वारा। मुख्यद्वार जो आनंद लय मंदिर का जो मुख्यद्वार है, जो सदर दरवाजा भी बोलते हैं, उस द्वार से बाहर रहे हैं। ये भक्तगण वास्तव में स्वामी के दर्शन से जो आनंद होता है, वो तो आनंद इन सभी को आज प्राप्त हुआ है कि मुख्यमंत्री के द्वारा वस्त्र समर्पण अपने आप में जो है महत्व रखता है। मंदिर का जो परिसर होता है बहुत ही पुण्य का और पवित्र का होता है। इस पवित्र परिसर में रहते हुए, पवित्र कार्य करते हुए सभी को अवश्य जो है आनंद प्राप्त हुआ है। उसी आनंद के साथ जनहित करते हुए, जनहित करने वाला ही जनप्रतिनिधि है। अगर जनप्रतिनिधि जनहित नहीं करता है, जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचता है, कि वो जो है प्रतिनिधि बनने के जो है योग्य नहीं होता है। जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता की सेवा करता है। स्वामी की सेवा करने वाले जनप्रतिनिधि स्वामी की कृपा के पात्र होते हैं। स्वामी की कृपा चाहिए तो उनकी सेवा करनी है। उनकी सेवा अनेक रूपों से जो है हो सकती है। वो जो है धन से, तन से, किसी भी रूप में सेवा करके, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तन मन धन तीनों रूपों से स्वामी की सेवा करते हैं। दो तन से करता है कोई, दो धन से करता है कोई, तो तन मन धन से भी कोई करता है, तीनों से भी कोई करता है। इनमें कौन भला कौन छोटा ऐसी बात नहीं है। जितनी श्रद्धा, जितना प्रेम स्वामी के साथ है, उतना ही फल जो है उनको प्राप्त होता है। जो हम कर्म करते हैं उसका फल जो है आदमी को प्राप्त होता है। जो अच्छा करते हैं अच्छा फल प्राप्त होता है। जो स्वामी की सेवा करता है उस सेवा करने का फल प्राप्त होता है। स्वामी की सेवा सचमुच ही एक बड़ी सेवा है। जीवन में प्रत्येक मनुष्य को श्री वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा करनी चाहिए। ये स्वामी ऐसे हैं, वो कलयुग के स्वामी हैं, कलयुग के देवाधिदेव हैं। कलयुग में जितने सारे देव होने के बावजूद भी एकमात्र देव जो है श्री वेंकटेश्वर स्वामी है। श्री वेंकटेश्वर
सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।